I'm by profession a coach, a leadership coach. But to be a leadership coach, you have to be a leadership student. तो जब मैंने ये बड़ा टॉपिक मुझे इन्होंने कहा जी आप आके इस पे कुछ रोशनी फरमाएं इमर्जिंग रोल ऑफ वुमन, तो मैंने कहा मैं तो टॉपिक से एग्री नहीं करती क्योंकि इमर्जिंग रोल नहीं है. आई थिंक वुमन हैव इमर्ज्ड एंड दिस यू नो दिस पिक्चर दैट यू हैव ऑफ स्ट्रगलिंग एंड यू नो बीइंग समवेयर एंड ट्राइंग टू ब्रेक थ्रू द ग्लास सीलिंग. आई थिंक दिस इज द माइंडसेट दैट वी नीड टू चेंज. And talking from my experience, yes, बिल्कुल सही कहा मेरी कॉलीग ने. My career was set by my father, और अब्बा जी ने कहा कि चार बच्चे हैं तो एक डॉक्टर बनेगा, एक लॉयर बनेगा और एक MBA करेगा और एक CSS करेगा. तो मेरे जिम्मे CSS आया. So I had this huge argument with my father and I said, you know, that's not what I want to do. So he said, what do you want to do? I said, that's not what I want to do. I just know at this time, I don't want to do this. He said, why? I said, why do you want me to do it? He said, because beta, char mein se ek bachcha sarkari mulazim ho, to zindagi badi asaan ho. To maine kaha precisely because of that. I don't fancy a life where I sit. And that was my image at that time. And though it has changed, I won't go into it how it has changed and whether it's for the better or the worse. But wo jo zindagi hai ki ji sarkari mulazim hona and then to be subjugated to a set environment, at that time when I was hardly in my teenage, didn't fancy. To abba ji ne mujhe ultimatum diya ki bhai tum socho tumne karna kya hai, otherwise tumne agar khud nahi socha to phir yahi karna. So I started thinking about what I want to do. And I told my father after 2 weeks. I said, one, I want to do something of my own. And second, I want to do something which makes a difference to others. So that was the thought which started me to discover first myself and then to discover what I really am and what I really want to do. तो मैं सबसे पहले आप जो सारे बैठे हुए खवातीन को, हम लोग इतने ज्यादा सोशल नॉर्म्स और कन्फॉर्मेंस पे चले जाते हैं और हमसे ये सोचते हैं कि जी लॉयर बनना है, CSS करना है, ये करना है, वो करना है, टीचर बनना है. एंड द आउटर वॉइसेस किल द इनर वॉइस. एंड दैट हैज बीन माय डिस्कशन एंड डिस्कोर्स विद एवरी सिंगल लीडर, चाहे घर में कोई मुलाजिम है वो भी लीडर है, चाहे किसी पोजीशन पे कोई बंदा बैठा है CEO है वो भी लीडर है, चाहे खातून है, चाहे आदमी है, चाहे कोई भी है. आपने अपने अंदर की आवाज जरूर सुनी है बिकॉज गॉड हैज ब्लेस्ड अस विद अ यूनिक गिफ्ट विच एवरीबडी हैज डिफरेंटली. यही तो अशरफुल मखलूकात है हम, क्योंकि जो हर इंसान में है वो फोटोकॉपिएबल नहीं है, मशीनें फोटोकॉपिएबल होती है. इंसान के अंदर एक यूनिक सलाहियत जरूर होती है, लेकिन होता क्या है, हम देखते हैं कि माशरा क्या कह रहा है, हम देखते हैं कि खानदान क्या कह रहा है, हम देखते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, हम ये देखते हैं कि जी किस में हमारा आसानी है और हम उस रास्ते में चले जाते हैं. और उस रास्ते में जब चले जाते हैं तो जिस मंजिल पर पहुंचते हैं वहां मंजिल पर पहुंच के हमें पता चलता है कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड. तो स्पेंड योर टाइम इन डिस्कवरिंग योरसेल्फ. आई मीन फॉर मी द इमर्जिंग रोल ऑफ वुमन इज टू रियली डिस्कवर देमसेल्व्स एंड टू डिस्कवर व्हाट दे आर मेड ऑफ एंड टू डिस्कवर व्हाट दे रियली वॉन्ट. पहली बात तो ये. दूसरी बात यह है कि द कॉर्पोरेट वर्ल्ड लाइक मोस्ट वर्ल्ड्स इज कंपेटिटिव एंड इट्स गोइंग टू बी ग्लोबली कंपेटिटिव. यू आर नॉट गोइंग टू बी कंपीटिंग जस्ट विद योर ओन इंडस्ट्री, यू गोइंग टू बी कंपीटिंग इंडस्ट्री अक्रॉस. द सोशल नेटवर्किंग विच हैज क्रॉप्ड अप हैज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड ऑल बाउंड्रीज. And if you want to see who's best anywhere in the world and who competes where, LinkedIn pe aap chale jaye, aap duniya mein kahin, you'll be competing with Indians, you'll be competing with Middle Easterns, you'll be competing with Argentinians all over the world and women and men both. To aapki koi hiding place to rahi nahi hai. Isliye aapne jab bhi apna mayar apne mutalliq rakhna hai ki ji main emerge kaise kar sakti hu apni field mein, apne andar, apne mulk ke andar, apne mulk ke bahar, aapne ye dekhna hai ki what is the best. So always raise your bar. There are two
things that make people successful, and I just want to share them with you. मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने क्या सीखा और अभी भी सीख रही हूँ और बहुत गलतियाँ भी करती हूँ, and I think I am one of the most effective people around. But जो मैंने हमेशा से ये चीज सीखी और कोशिश भी कर रही हूँ कि उसको शेयर करूँ. If you really want to emerge as a top class number one human being, because if you're not a top class human being, you can't be a top class professional. And by top class, I don't mean your bank account. क्योंकि जब मैंने अपना काम शुरू किया था तो मुझे, अगर मैं ये देखती कि मेरा बैंक अकाउंट क्या था, और मेरी कॉलीग अभी कह के गई है कि अगर घर से आपको वो सपोर्ट मिले तो बहुत आसान हो जाता है, I agree with her. लेकिन अगर मैं अपना बैंक अकाउंट देखती कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है कि नहीं करना, तो शायद मैं कभी भी ना करती, बिकॉज वो तो अभी मैं नहीं देखती, वो अगर देखूँ तो शायद बिजनेस बंद ही कर दूँ. बट जब मैंने मैंने सोचा कि मैंने काम करना है, आई एम गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, आई केम इन टू अ फील्ड विच वॉज हाईली मेल सेंट्रिक. कोचिंग, बिजनेस, मार्केटिंग टू मेन हु वर ट्वाइस माई एज and with global experiences was unheard of. And everybody said, sabne mujhe kaha ki ji wo dekho wo to yahan to Pakistan ke andar, or you know there's a male bias and you can't rise. I think it's an advantage. Being a women professional is an advantage, because I tell you, koi competition hi nahi aapki. There's very little competition in this. पहली बात. दूसरी बात यह है कि इट्स योर माइंड सेट, इट्स योर एटीट्यूड. अगर आप समझते हैं थ्रेट है, थ्रेट है. अगर आप समझते हैं अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी है. मैंने तो अपॉर्चुनिटी देखी, मैंने कहा जी कोई इस फील्ड में नहीं आ रहा, तो सबने कहा क्यों तुम पागल हो, ये बाकी क्यों नहीं आते इस फील्ड में, क्योंकि मुश्किल है. तो मैंने कहा कि जी मैंने तो इस फील्ड में जाना. सो आई डिफाइड माई पेरेंट्स, आई डिफाइड दी ऑड्स, आई वेंट इन टू इट, आई डिफाइड माई बैंक अकाउंट ऑल्सो एंड आई वेंट इन टू इट. और दो चीजें आप मैंने, दिस इज माई रिसर्च एंड माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑल्सो. When you have to excel as a human being also, and as a person who will be respected in whatever you do, और ये कोई काम ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ कोचिंग में आना है, या आपने सिर्फ पॉलिटिक्स में जाना है, या आपने टीवी पे जाना है, या आपने पढ़ाना है. जिस भी आप प्रोफेशन में होंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होंगे, किसी और वर्ल्ड में होंगे, इफ यू वॉन्ट टू राइज एंड यू रियली वॉन्ट टू राइज एंड शाइन, देन यू हैव टू गो ऑन द टू बेसिक पिलर्स ऑफ राइजिंग, एंड दैट इज वन, फोकस ऑन योर कैरेक्टर, and two, focus on your competence. These are the two C's which make the third C, which is credibility. Corporate credibility, agar aapne banani hai, ya aapne political credibility banani hai, ya aapne institutional credibility banani hai, your character, which means basically people see you and believe you because of your actions which have been consistent to your words. And character is made of two things, intent and integrity. And I can go on and on and on that, because this is not my leadership coaching going on. I have very little time. So, us pe dusra competence. You can have the best character in the world, lekin agar aapke paas skills or competence nahi hai, to aapko museum mein rakhna chahiye. Theek hai na? And you can be the most competent person in the world. Technically, you're perfect. Lekin dodgy hai. Beech mein hera pheri karte hai. Sooner or later, your rise in the corporate or the political or whichever world will flounder and fall. ये आप मेरे से लिखवा लें. इन दोनों चीजों पे काम करें, बाकी छोड़ दें. बंदे क्या कहते हैं, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है नहीं हो रही, corporate world में जगह है नहीं जगह है, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, अमेरिका है. You focus on these two things, guaranteed success. And the last part, how did I do it and how do I share it with the others? मेरा वो मंत्र है जी, VPA, विजन, पैशन एंड एक्शन. यू नीड टू सक्सीड, यू हैव टू हैव अ विजन. अगेन, डिस्कवर योरसेल्फ, व्हाट डू आई वांट, बिगिन विद द एंड, बिगिन विद द एंड. व्हाट इज दैट आई रियली वांट टू एंड अप एज, व्हेयर डू आई वांट टू एंड अप एज, व्हाट इज माय ड्रीम, एंड ड्रीम एंड ड्रीम एंड ड्रीम, बिकॉज ड्रीम्स आर कॉस्टली. एंड नेवर बी शाय ऑफ ड्रीमिंग. And never be shy of discussing your dreams. Let me, people make fun of you. Every genius was laughed at first. Every genius was once a crackpot. Every reality was once a fantasy. So,
आप विजन जरूर रखें अभी आपने उस खातून का पढ़ा होगा वो जो ईरानियन है जज़दानी को आई हैव फॉरगॉटन हर नेम उसने जनाब नासा में अभी वो स्पेस पे होके आई तो उसने उसको पूछा लोगों ने कि भाई हाउ हैव यू डन दैट सो शी सेड कि जी मैंने बचपन से ड्रीम थी मैंने स्पेस टूरिज्म करना है और पैसे नहीं थे सो शी वर्क हो गया शी सेड अच्छा स्पेस टूरिज्म करने के लिए $20 million चाहिए उसने वहां देखा क्या शोभा बिजनेस होना चाहिए शिपिंग में गई वर्क फॉर 25 years इन अ जॉब सेट अप अ बिजनेस कलेक्टेड $20 million एंड वेंट टू द स्पेस सो दीज आर स्टोरीज अराउंड अस ऑफ वेरी ऑर्डिनरी पीपल ऑफ हैविंग अ विजन एंड स्टिकिंग टू इट दूसरा जो है पीपीए पार्ट है पैशन पैशन जो होता है ना वो होता है जब आपके चिप्स आर अगेंस्ट यू ऑल ऑड्स आर अगेंस्ट यू एवरीथिंग इज हिटिंग यू एंड यू स्टिल राइज क्योंकि आपके अंदर एक यकीन होता है एक जज्बा होता है एक जुनून होता है जोश होता है कि जी आपने नहीं छोड़ना जब तक आप टिके रहे सो एंड आई वाज वेरी इंस्पायर्ड अबाउट 3 महीने पहले सीएनएन में देख रही थी आई सॉ दिस वुमन हु हैड स्वम एंड शी हैड स्वम फ्रॉम क्यूबा टू अमेरिका 53 hours उसने नॉन स्टॉप स्विमिंग करके रिकॉर्ड कायम किया 53 hours शी वॉज 64 years old शी वॉज 64 years old एंड शी फेल्ड व्हेन शी वॉज 30 30 साल की उम्र में उसने पहली दफा क्रॉस करने की कोशिश की चैनल शी फेल्ड एट द एज ऑफ 44 शी फेल्ड अगेन एट द एज ऑफ 64 शी सक्सीडेड सो शी इज देयर एंड ऑल द कैमरास ऑन हर हेड And lo, you know, scoop with them. What is your message? What is your message? And she's always, you know, huffing and panting. And she says, "Well, I have only one message: never, never, never give up." So, I mean, she and I was showing it to my mom. I have my mother come tell me. I said, "Look, you are saying that my tongue will be stuck." So, and the last part is action. You've got to take action. आप सिर्फ ख्याली पलाव नहीं बना सकते वी ऑल ड्रीम बट देयर वेरी फ्यू पीपल हु हैव द एबिलिटी टू टेक एन एक्शन आपने ये लड़की देखी होगी हमारी अभी समीना बेग आपको पता है एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है 8 out of 10 मेन फेल टू कॉन्कर एवरेस्ट समीना बेग 21 साल की गिलगित की 3 महीने पहले वेंट एंड कॉन्कर्ड एवरेस्ट एंड शी सेड यू नो द मिनट आई थॉट I'm going to, I can conquer Everest. I started working on it. I started acting upon it. So, if you think about it, you will think about it. So, vision, passion and action. Discover yourself and discover what you really are. Being a woman is a privilege. It's an advantage. Take advantage of that. Thank you very much.